नमस्कार, जय हिंद हिंदुस्तान। जी हाँ, मैं अतुल महिंद्रा फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का, क्योंकि सुबह 9 बज चुके हैं। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को भैया गुड मॉर्निंग, और आपका आज का दिन बहुत ही सुंदर जाए। ठीक है, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि IBPS क्लर्क और PO में जो इस्तेमाल होने वाली कुछ सीरीज है, इस IBPS PO क्लर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको किसी चैप्टर के थ्रू पढ़ा पाना शायद संभव नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले कल मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अगर आपको याद हो तो। कल मैंने आपको होमवर्क में दो क्वेश्चन दिए थे, तो आशा करता हूँ कि आप उन सारे होमवर्क को कर चुके होंगे। और जितने लोगों ने किया, मेरे पास तो प्रूफ है भाई, जितने लोगों ने किया उन लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा। उन सबको मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाता हूँ कि भाई ये बच्चे हैं जो सच में सिंसियर हैं, जो रेगुलर होमवर्क करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब कराता हूं पहले उस क्वेश्चन से कि भाई आखिर होमवर्क था क्या। ठीक है ना, होमवर्क क्या था वो मैं आपको बताता हूं। ये होमवर्क था और ये रहा आपका टाइमर। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, फिर से दे रहा हूं 21 सेकंड। सोच समझ के जवाब देना कि ऐसे क्वेश्चन बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के आपको परेशान करता है। सोचना कि दोस्त उसने बोला एक कक्षा में जितने भी बच्चे द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन अ क्लास पास द एनुअल एग्जामिनेशन एमंग देम राम इज अ 14 फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम। मतलब उसने कहा कि एक कक्षा में जितने बच्चों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण किया उसमें राम का स्थान ऊपर से 14वां है, नीचे से 28वां है। यानी राम ही जो है वो 14 है और राम ही जो है वो 28 है। तो दोस्तों, राम दो बार गिना गया कि नहीं? तो पहले हम पास हुए बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, t इक्वल टू l प्लस r माइनस 1। यानी ये कैसा फॉर्मूला होता है, ये केवल तभी लगाया जाता है जब केवल एक ही बच्चे के बारे में बोला जा रहा है। देखो, उसने बोला एक वार्षिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र थे यानी जो पास हुए बच्चे थे उसमें राम ऊपर से 14 है, नीचे से 28 है। तो हम क्या करेंगे, यानी 14 प्लस 28 माइनस 1, तो यहां पे कितना हो गया, 8 4 12, 2 1 3 1 4 माइनस 1, यानी 41। 41 बच्चे पास हुए थे, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि राम ही 14, राम ही 28, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 में गया, यानी 41 बच्चे पास हुए थे। लेकिन अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, यानी 16 ये भी हैं जो परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल कितने बच्चे परीक्षा में बैठे थे? तो पास हुए हमारे पास 41 आ गए और फेल कितने हो गए थे, 16 हो गए थे, यानी 6 1 7, यानी 5, यानी टोटल 57 बच्चे कक्षा में थे। कक्षा में कितने बच्चे थे, 57 बच्चे थे कक्षा में, 57 बच्चे थे। बोलो आया ना, तो यहाँ पे ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नंबर जवाब होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों पहले देखो, पूछता वही है लेकिन क्या करें, अब उसके पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछ लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आप स्टूडेंट मेरे हो और हर तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऊपर से 14 28, एकदम चूरन क्वेश्चन था। ठीक है, 57 विल बी द राइट आंसर। सहमत है मेरी बात से? अगला दोस्तों, एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था, 2 HAW मैंने आपको दिए थे। ऑप्शन 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 हटाना सीखो, नैनो सेकंड में जवाब आएगा। मात्र 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 5 सेकंड का। सोचो 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 क्या होगा, सोचो क्या होगा। उसने बोला कि आइदर और इसमें लग रहा है, आइदर और इसमें लग रहा है। तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि पहले मैं आपको बता दूं कि जब आइदर और की बात आती है, जब आइदर और की बात आती है तो आइदर और कब लगता है, जब ये तीन कंडीशन होती है, जब ये तीन कंडीशन होती है तभी आइदर और लगता है, वरना कभी नहीं लगता। पहली बात तो बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, यानी दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे ए बी ए बी है, ए बी ए बी है, तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए। और तीसरी बात है कि तीनों साइन होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन या लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कुल मिला के तीनों साइन आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो, ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू तीनों साइन है, अब एलिमेंट भी सेम है, बोलो हाँ या ना। अब कंडीशन एक बची, देखो यहाँ पे दो कंडीशन तो आपको साफ साफ दिख रही, आराम आराम समझना, धीरे धीरे समझना। यहाँ पे भैया मेरी बात समझना कि जब ए से बी की हम बात करें तो यहाँ पे आइदर और तभी लगता है, इनइक्वेलिटी में, असमानता में, या तो तभी लगता है जब आपके मुंह से तीन यस निकल जाएंगे, तीन यस निकल जाएंगे। मतलब क्या, बोथ एलिमेंट सेम, यस, दोनों रॉन्ग, यानी ये दोनों गलत होने चाहिए। यानी आपको पकड़ना क्या है कि इन दोनों निष्कर्षों को यहाँ पे गलत करना है। ये दोनों निष्कर्ष अगर सही हो रहे होंगे
तो याद रखिएगा, ये कभी आइदर और नहीं होंगे, ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड आ जाएगा, यानी दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, ठीक है, और तीनों साइन होना चाहिए। तो तीनों साइन और एलिमेंट सेम, तो वो तो यही दिख रहा है, तीनों साइन और एलिमेंट सेम तो यही दिख रहा है कि भाई ए बी एलिमेंट सेम है, ए बी एलिमेंट सेम है, और तीनों साइन ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन आर इक्वल है, तीनों साइन है, लेकिन ये दोनों गलत है या नहीं ये हमको यहाँ आके देखना है। चलो ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये भी बात गलत होनी चाहिए, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये भी बात गलत होनी चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी सही हो जा रहा है, इसलिए यहाँ आइदर और नहीं लगेगा। देखो ए इक्वल टू एम, एम इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर, ये आ गया और सारा साइन एक ही दिशा में, तो आंसर ए इज ग्रेटर देन बी आ जाएगा, तो ओनली फर्स्ट हो जाएगा, जबकि मुझे दोनों गलत करना है। क्यों? आइदर और तभी लगता है, फिर से सुनो, फिर से सुनो, आइदर और तभी लगता है जब दोनों गलत हों, ठीक है, एलिमेंट सेम हो और तीनों साइन हो। तो एलिमेंट सेम और तीनों साइन तो हमें दिख गया, लेकिन दोनों गलत हैं कि नहीं वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर अगर हम यहाँ ए से बी जाएं तो देखो यहाँ पे भी ए इज ग्रेटर देन बी सही हो गया। क्यों? ए इक्वल टू एम, एम इक्वल टू जेड, जेड इज ग्रेटर देन क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन सी, और क्यू इक्वल टू सी, और सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी ए और बी की हम बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी यहाँ भी सही हो गया, इसलिए यहाँ भी आइदर और नहीं लगेगा। आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात, फिर से समझो कि यहाँ पे मुझे ए इज ग्रेटर देन बी भी गलत करना है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी भी गलत करना है, लेकिन यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी सही हो जा रहा है इसलिए यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी ए इज ग्रेटर देन बी सही हो जा रहा है इसलिए यहाँ पे भी नहीं होगा। बोलो यहां, यहां पे भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ए से बी बात कर, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी यहाँ सही हो जा रहा है, तो अगर ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी सही हो जा रहा है तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल, ये क्या हो गया, एकदम गलत हो गया। यही यहाँ पे हम बात करें तो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है ना, तो ग्रेटर देन तो है ही, परफेक्ट हम इसको आइदर और नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट साइन नहीं है, है ना। तो अगर ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी है तो ये किसी कीमत पे सही नहीं होगा, तो ये निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। चलो ए से अगर बी की हम बात करें तो ए इज लेस देन बी आंसर आ रहा है, मतलब जब कोई फिक्स आंसर आ रहा है तो वो आइदर और कभी होगा नहीं क्योंकि दोनों गलत होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे ए इज लेस देन बी यानी ये भी नहीं होगा, लेकिन जब हम इसकी हम बात करें ए से लेके बी की तो यहाँ पे दोनों बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी भी गलत हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नो रिलेशन है। क्या है? नो रिलेशन है, और जब नो रिलेशन होता है तो आपको पता है कि कुछ भी पूछो वो सब गलत होता है, कि हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में क्योंकि साइन पलटा हुआ है। ये देखो इधर एक तरफ है और यहाँ पे इस तरफ हो गया। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? ए बड़ा बराबर बी सही हो जा रहा है, ए बड़ा बराबर बी सही हो जा रहा है, यानी ए बी से कभी छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तीन साइन वाली स्थिति नहीं पैदा हो रही, इसलिए गलत हो गया। यहाँ यहाँ पे ए छोटा है हो रहा है बी से, यानी ये कभी बड़ा बराबर नहीं हो सकता, मतलब तीनों साइन यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मैंने इनको गलत किया। ये तो समझ में आ गया ना भाई? आइदर और लगने के लिए तीनों साइन होने चाहिए, आइदर और लगने के लिए तीनों साइन होने चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसलिए ए और बी में जब नो रिलेशन होगा तभी वो गलत माना जाएगा, और ए और बी में नो रिलेशन यहाँ है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एलिमेंट सेम है और तीनों साइन उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे आइदर और हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पांचवा बिल्कुल सही हो जाएगा, पांचवा सही हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं भाई? यहाँ पे अगर आपने ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी सही कर दिया तो फिर तीनों साइन भाई यहाँ पे तो फिर ए बी से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, जबकि आइदर और में तीनों संभावनाएं संभव हैं, और यहाँ ए बड़ा बराबर बी हो गया तो ये कभी छोटा हो नहीं सकता, और ए छोटा है बी से, इसमें छोटा हो गया तो कभी बड़ा बराबर नहीं हो सकता, मतलब तीनों स्थिति यहाँ बन ही नहीं सकती, तो आपके पास केवल पांचवा बचा जहाँ पे तीनों बातें संभव है। और याद रखना ये तीन बातें जब तक मुंह से तुम्हारे नहीं निकलेंगे आइदर और नहीं लगेगा, ये नो रिलेशन का आइदर और है। क्या है? नो रिलेशन का आइदर और, ठीक है ना? ठीक, होते तीन तरीके का आइदर और है। इनइक्वालिटी का बैच मैंने पढ़ाया है, आप उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, पांचवा सवाल। लेकिन पूरे हिंदुस्तान से जवाब कितने होनहारों का आया है वो ये देखो। संदीप मिश्रा जी, भाई बड़ी अच्छी बात कही है, आप लोगों को सुनना चाहिए, बड़ी सही बात संदीप ने कही है भाई, कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, जहाँ हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, थैंक यू अतुल सर, संदीप सर थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, बहुत ही अच्छी क्लास थी आज, में जो मैं चाहता था आप मुझे वही पढ़ा रहे हो, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। राहुल मंडल जी कह रहे हैं भैया लाजवाब सर डेली चाहिए ऐसा ही सेशन, बिल्कुल राहुल बिल्कुल ऐसे मिलेगा। इन्होंने दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही, नहीं ऑप्शन थ्री नहीं बेटा, ऑप्शन फाइव सही होगा, याद रखिएगा, मैंने प्रूफ किया, अगर कोई मेरे बात से सहमत ना हो तो मुझे जरूर। लाजवाब सर डेली, थैंक यू सर, हेलो टीचर्स, बिल्कुल प्रशांत
पवार जी सर, मेरा एक ही सवाल है कि ये झमाझम क्या होता है? बच्चा एक झमाझम कुछ होता नहीं है, एक होता है शैली मुंह से निकल जाता है कि हाँ झम से जवाब आ गया। पहले हम लोग बेस ब्रांच फैकल्टी थे, क्लासेज में पढ़ाते थे, तो एक आदत सी बन गई है। ठीक है, 57.5 बिल्कुल। साक्षी ठाकुर, साक्षी ठाकुर एकदम लाजवाब बेटा जी, एकदम झमाझम, बिल्कुल सॉरी मतलब एकदम सही है। ठीक है, रॉबिन्स विश्वकर्मा बिल्कुल 57.5 बिल्कुल सही है। अल्पना कुमारी जी, थैंक्स सर फेबुलस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर लव सपोर्ट रिस्पेक्ट, लेकिन बिटिया आपका भैया ये गलत हो गया है, पहला केवल आपका ये सही है। ठीक है ना, चलो यहाँ पे टॉम कह रहे हैं सर अमेजिंग कंटेंट, कीप इट अप ड्यूड, थैंक यू सो मच ड्यूड, थैंक यू सो मच। और होमवर्क का 57.5 बिल्कुल, सोनालिका कुमारी जी आपका बिल्कुल सही है, सोनालिका बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सीमा कुमारी जी ने कहा है कि पहला और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल, बेटा जी आपका दूसरा गलत हो गया और पहला बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहला आपका सही है, ग्रेट कंटेंट ब्रो, थैंक यू। इंदिरा अवस्थी जी कह रही हैं कि सर होमवर्क आंसर बिल्कुल परफेक्ट, आज इंदिरा जी आपने दोनों भी बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग की, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे रितियाज सेठ जी हैं जो बोल रहे हैं 57 सही होगा, और यहाँ पे भी 57 बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं आज कॉपी चेक कर रहा हूँ, कविता कोटवानी जी हैं, गौरव कुमार हैं, और ज्ञानोदय सिंह सिंह जी है, ज्ञानोदय सिंह बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज्ञानोदय सिंह भैया एकदम छा गए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतने लोग भाई, अरिजीत सिंह का एक बात कहना, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अपनी बातें लिखा करें। अरिजीत सिंह कहता है सर नाइस सेशन, सर योर टिप्स एंड ट्रिक्स आर टॉटिंग अच्छा टीचिंग क्वेश्चन डिफरेंटली एंड वेरी हेल्पफुल, हेल्पिंग मी अ लॉट प्रोग्रेस, थैंक यू सो मच, माई टुडे स्कोर इज 12। देखो इन्होंने बोला कि सर आपने 16 क्वेश्चन कराए, मेरा 12 सही हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया। उन्होंने बोला कंडीशनल इनइक्वालिटी सेकंड होमवर्क, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट योर नेक्स्ट सेशन, सर बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आशा करते हैं अरिजीत बनर्जी जी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा दूं। यहाँ पे रिम्पी बिल्कुल, राजेश कुमार बिल्कुल भाई परफेक्ट जवाब है। तो चलिए आज के सेशन का आगाज करते हैं, और आज देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आप सभी तैयार हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रेडी लिख दीजिए, फिर बैटिंग मैं स्टार्ट करूँ। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी बताओ। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो मैंने एकदम सीक्वेंस से चीजें याद लगाई हैं, एकदम सीक्वेंस से, बस कहीं रिदम मत तोड़ देना आज, देखना एकदम नई नई चीजें सिखाऊंगा, जरा सुनना। 1, 7, 12, 16, 19, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि 1 और 7 में 6 का डिफरेंस है, 7, 5, 12 होता है, 12, 4, 16 होता है, 16, 3, 19 होता है, तो 19 और 2 फिर आगे हो जाएगा यानी 21 हो जाएगा, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की, और यू बिल्कुल आपका 1000% शत प्रतिशत सही जवाब होगा, यानी डिसेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में उसमें क्या है नंबर, उसमें क्या है प्लेस वैल्यू दे गई है, पहले 1 है तो उसमें डिसेंडिंग फॉर्म जुड़ता चला जा रहा है, अगर 1 है तो उसमें 6 जुड़ा 7, फिर 5 जुड़ा, यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, पहले ए में 6 जुड़ा तो जी बना, जी में 5 जुड़ा तो एल बना, एल में 4 जुड़ा तो पी बना, पी में 3 जुड़ा तो एस बना, और एस में 2 जुड़ा तो यू बना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बोलो बात सही, चलो यू बिल्कुल सही होगा। चलो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, सोचो सोचो, इजी है, आपको दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, जल्दी सोचो क्या होगा, जल्दी 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 सोचो सोचो क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करते समय इनकी प्लेस वैल्यू लिख लिया करिए, जैसे ही आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 1 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 22 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, तो आगे क्या आएगा आपको पता चल जाएगा, जी हाँ 8, 7, 6 बिल्कुल उसी तरीके से क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड करता चला जा रहा है, पहले 8 फिर 5 फिर 4 3, पहले 1 में देखो 8 यहाँ पे जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। आशा करते हैं कि अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो हाँ है ना, क्योंकि आज मैं एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, चरण दर चरण आज एक्स्ट्रा बढ़ूंगा, और ऐसे क्वेश्चन जो आप रेगुलर, क्योंकि इसे इंटेंशनली अल्फाबेट सीरीज न्यूमेरिक सीरीज हम कराते हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिस पे हम रेगुलर रखेंगे, अल्टरनेट डेज पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल, क्योंकि नंबर लिख दिए तो सीधे सीधे गैप समझ में आ जाता है। एक एक का हो गया, अब दो दो का, दो दो के बाद तीन तीन का, तीन तीन के बाद हम देखेंगे कि और नए टाइप में कैसे कैसे सीरीज पूछता, पहले एक एक का दो हो गया, अब ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं, पहले आपको मैं पैटर्न दिखा दूं कि कैसे कैसे पूछता है, अब ये दो दिया, जल्दी से सोचो क्या, अच्छा
कहे कि नहीं, बिल्कुल 15 सेकंड ने पहले एक एक का पूछा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सीख लो। ये नहीं क्वेश्चन से मतलब नहीं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब मैं आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। कभी कभी केवल इनका इनका डिफरेंस होता है, फिर इनका इनका आपस में अंतर होता है, इनका इनका होता है, इनका इनका होता है, बोलो हाँ या ना। फिर कभी कभी इनका इनका होता है, इनका इनका होता है, इनका इनका होता है, ठीक है। फिर कभी इनका इनके साथ होता है, इनका इनके साथ होता है, इनका इनके साथ होता है, यानी ये सब भी। अब ये मेरे पास कहने का मतलब क्या है, ऐसा भी होता है, यानी अगर डबल डबल अल्फाबेट की सीरीज होगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखना। या ए के बाद हमें सी दिख रहा है, सी के बाद ई दिख रहा है, ई के बाद जी दिख रहा है। देखो ए बी सी, यानी यहाँ पे एक तीन, तीन पाँच, पाँच सात, एक एक में दो जोड़ा तीन, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, तो सात दो नौ, यानी पहला तो आई आएगा, ये तो कन्फर्म है, पहला आई आएगा। भाई ये भी गया, ये भी गया, ठीक है ना, ये दो चले गए, दो कट गए। अब जरा सुनना कि अब यहाँ पे क्या है, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद ये, मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे ये पाँच है, ये सात है, ये नौ है, ये ग्यारह है। अब देखो पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, और ग्यारह दो कितना हो गया, तेरह, यानी एम होगा। देखो आप लोग एकदम शानदार हीरा हो यार, कोहिनूर हो आप लोग, यानी आई एम बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आई एम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आई एम विल बी द राइट आंसर, आई एम बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। चलो देखो मैं थोड़ा सा एकदम नीट क्लीन दिखा देता हूँ, अगर मैंने हॉच पॉच लिखा है आपको ना समझ में आया तो देखो दोस्तों मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे एकदम बना हुआ आपको सामने दिखा देता हूँ, ताकि अगर मेरी राइटिंग कुछ हॉच पॉच हो तो आप इसे ऐसे देख सकें, ठीक है ना। चल अभी यहाँ पे बताऊँ, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इस सारे के सारे कंटेंट अब मैं आपको करूँगा पीडीएफ देना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग जैसे सारे लोग जुड़ जाते हैं उसका मैं एक क्विज सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ पे बताऊँ, वाला कराया था, अब दो दो अल्फाबेट वाला करा रहा हूं, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब आपको चीजें समझ में आने लगी होंगी क्या क्या हो रहा है ना। अब जरा सोचो क्या होगा। अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं सी डी एफ जी आई जे, एल एम होना चाहिए, आगे एम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एल एम होना चाहिए, एक साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलो हाँ है ना। अब देखो यहां पर सी के बाद डी है ना, तो यहां पे देखो सुनना, इसके बाद ये वाले की मैं बात कर रहा हूं, सी के बाद डी, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी, जैसे आप अल्फाबेट का डिफरेंस तो देख रहे होगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कितनी जल्दी मैं चीजों को समझ सकता हूं। आई के बाद जे, तो जे के बाद यहां पे के होना चाहिए उस हिसाब से कि एम होना चाहिए, एल है ना, तो एल के बाद क्या आएगा, एम होना चाहिए, जी हाँ, जे नहीं आगे वाले से हो रहा है ना, तो अब जरा सोचो M आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, M होगा कन्फर्म होगा शुरू में, तो अब जरा समझो अगर मैंने M बोला तो देखो शुरू में M आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अब आपस में जो गैप कर रहा है तो भाई इसके बाद प्लस टू कर रहा है, तो एम एन ओ हो गया, यहाँ पे एम ओ बिल्कुल सही जवाब हो गया, एक नंबर सही जवाब हो गया। अब यहाँ पे देखो एक टफ नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पे ये चेक करने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है कि इसका इससे संबंध है, फिर इसका इससे संबंध है, इसका इसके, या इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है तो इजी ही, लेकिन किसका किससे रिलेशन है ढूंढने में टाइम लगता है कि नहीं लगता, आता तो है दोस्त, लेकिन मैं क्यों ऐसा कराता हूँ कि ताकि आपकी मैं एक हैबिट डलवा दूँ, एक प्रैक्टिस डलवा दूँ ऐसा। अब जब मैं इसमें टफ दिखाऊंगा तो आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके होंगे, जब मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगा तो आपको लगेगा अच्छा हाँ 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 कर तो रहे थे पहले, इसका इसमें कर रहे थे, नहीं हुआ था तो फिर इसका इसमें करके देखें, नहीं हुआ तो फिर इसका इसमें करके देखें, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखा करिए, पहले इनका आपस में देख लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसका इसमें कर दीजिए, फिर इसका इसमें कर दीजिए, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो यानी आशा करते हैं कि आप एकदम चीज़ें समझ रहे होंगे और यहाँ पर एम ओ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। चलो अब एक और बताओ दो में क्या होगा, सोचो ए डी ई सी आई बी एम ए, तो आगे क्या होगा, एक और 15 सेकंड, चलो मान लो 15 सेकंड कम है आपके लिए, एक और बहुत ही शानदार। देखो कुछ लोगों को भाई आंसर देने का तरीका, क्योंकि जिस समय आप क्वेश्चन कर रहे होते मैं सबके कमेंट देख रहा होता हूं कि भाई आप क्या कमेंट कर रहे हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, जरा सोचो सोचो सोचो, देखो पूरा 15 सेकंड दे दिया। अब भाई देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने आपसे बोला ना कि ऐसा भी होता है। अब जरा सोचो, देखो इसका संबंध इसके साथ है, मैं यहाँ पे हौच पौच हो जाता है मेरे साथ, इसलिए मैं इस तरीके की चीज़ें आपको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, आप इसको देख लो आप एकदम क्लियर हो जाओगे। पहले ए का ई से किया, तो यहाँ पे क्या था, एक था, यहाँ पे पाँच था,
पाँच के बाद यहाँ पे नौ था, यहाँ पे 13 था, तो एक चार जुड़ा पाँच, चार नौ, चार 13, और 13 चार कितना हो गया 17, बोलो हाँ है ना, 13 चार 17 हो गया। अब जरा समझना कि डी का सी से, यानी एक कम हुआ फिर एक कम हुआ फिर एक कम हुआ, तो 17 के बाद एक कम करोगे तो जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा यानी 26, और यहाँ पे बोलेंगे तो ये 17 क्यू की प्लेस वैल्यू होती है, जेड क्यू जेड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्यू जेड विल बी द राइट आंसर। तो आशा करते समझ गए, यानी ऐसा भी होता है, सीरीज आप पढ़े हो मैं मानता हूँ, लेकिन आप हमेशा न्यूमेरिक सीरीज पढ़े हो, अल्फ़ाबेट की सीरीज ऐसी भी बनाई जाती है, यानी पहले एक 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 लेटर किए वो ईजी था, वो मैंने आपको बता दिया, दो दो लेटर में तीन क्वेश्चन बताएं, तीनों अलग अलग पैटर्न पर बताएं कि एक एलिमेंट इस एलिमेंट से रिलेशन, एक एलिमेंट का इस, तो जो रेगुलर जिनकी आदत है मुझे 9 बजे सुनने की, उनके मैं पढ़ने का एक रिदम बना दूंगा कि हां हमने इस तरीके से इन चीजों को देखा है, जहां कोई दिक्कत हो थोड़ा सा वीडियो पीछे जाओ, अच्छा यहां पे ये हो रहा था, तो एक चलन बन जाएगा। तो आरबीआई एसबीआई आईबीपीएस जो भी कोई एग्जाम होगा कभी भी आएगा तो सबसे पहले स्ट्राइक होगा कि हां ऐसा भी होता है, है ना, तो यहां पे क्यूजेड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो चार का करा दूंगा, फिर पांच का नहीं, बस ये लास्ट है, तीन का मैक्सिमम तीन का ही पूछता है, जल्दी यहां बताओ तीन का। अब यहां पे सोच सकते हो ना कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, अब देखो सोचते ही समझ में आ गया ना कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, बहुत। ये 15 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसे कैसे करते हो ये आप पे निर्भर करता है। चलो सोचो सोचो सोचो, देखो आप यहाँ के भी लिखा है, देखो अपना अपना बुद्धि है करने का, अपना अपना बुद्धि है करने का, मैंने कहा कि यहाँ के लिखा है, एन भी लिखा है, आप के और एन से संबंध देखना चाहोगे, लेकिन मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है, मुझे ए थोड़ा सा ज़्यादा सरल लगता है, देखते ही मेरी आंखें चमक जाती है, ए मैं आराम से चल दूंगा, क्योंकि ए से सी जाना मुझे बहुत सहूलियत भरा सा लग रहा है, के से एन चलने में मुझे थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ए से सी जाना ए बी सी है ना आसान है, सी डी ई ई एफ जी यानी यहाँ पे एक के बाद तीन है, तीन के बाद पाँच है, पाँच के बाद सात है, तो आगे आएगा 7 2 9 यानी अंत में जो आएगा यहाँ पे आई आएगा, तो आई यहाँ पे नहीं है, आई यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, बोलो आया ना, चलो ठीक है ये भी नहीं होगा। अब फिर देखते हैं, अब देखो यहाँ पे है 14, अब थोड़ा आत्मबल बढ़ा कि नहीं, ऐसा कर लेने से आत्मबल बढ़ा, दो ऑप्शन हट गए, थोड़ा सा आत्मबल बढ़ा, मजा आ गई कि दो हटा दिया हमने, हाँ ए से सी, देखो हम मानते हैं कर लोगे, मैं कसम से आपके कभी नॉलेज पे हाथ नहीं उठाता या उंगली उठाता, बहुत शानदार लोग, लेकिन जरा सोचो बच्चा जी चलन क्या होना चाहिए, ये 14 है, ये 12 है, अरे दो कम हो गया, ये 10 है, अरे दो कम हो गया, फिर 8, अरे दो कम हो गया, अगला 6 यानी एफ होगा, एफ होगा, अब आगे क्या होगा मुझसे नहीं मतलब, मतलब यहाँ पे बचा क्या डब्ल्यू एफ आई होगा, लेकिन नन ऑफ दिस भी है, ये नन ऑफ दिस एन ओ टी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, तो आओ देख लेते हैं ये क्या है, 11, 11 के बाद 14, 11 12 13 14 तीन बढ़ रहा है, फिर 17 14 3 17 17 3 20 और 20 3 23 23 किसकी प्लेस वैल्यू है डब्ल्यू एफ आई, और यहाँ पे डब्ल्यू एफ आई बिल्कुल सही हो जाएगा। दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अरे सर इस तरीके से हम कैसे समझेंगे, आंसर ऐसे रहेगा। अब इसको समझने में आपको बताओ दिक्कत होगी कि नहीं, ये मैंने दिखा दिया, ये जो मैंने आपको समझाया वो ये लिखा हुआ, अब जरा इसको समझो, इसका इसके साथ संबंध है, इसका इसके साथ संबंध, परेशानी होगी कि नहीं इसको समझने में, इसको समझने में, लेकिन निगाहें किसको देखें, क्वेश्चन तो दुनिया के लिए, व्हाई यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया पता है, मैं के से क्यों शुरुआत करूं, एन से क्यों शुरुआत करूं, मुझे पता है मैं इतना गरीब नहीं हूं कि मैं इसको ना समझ पाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि समझ लूंगा, लेकिन उस 20 सेकंड को अगर 5 सेकंड में बदल लिया तो मैं अतुल सर का स्टूडेंट हूं, तो मैं अतुल सर का स्टूडेंट हूं, मानते हो कि नहीं बच्चा, एंड थैंक्स अ लॉट कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, है कि नहीं। चलो तो समझ में आ गया बच्चे जी, समझ में आ गया, बहुत ही शानदार, एक और कर दो ना मेरा दिल खुश हो जाए, एक और कर दो, एक और कर दो, आदत डालेंगे 110% कर लोगे, आप पे अभिमान रखता हूँ दोस्तों, गर्व से कहता हूँ कि मेरा बैच आओ, ऐसे ऐसा बच्चा जवाब देता है ना कि आंखें निकल आएंगी, बहुत ही शानदार। जी अच्छा यहाँ पे किसका किससे रिलेशन दिख रहा है, ये देखो अगर मुझे डी सबसे छोटा होता है यानी 4, इसको देखूं 4 4 3 7, यहाँ पे देखूं 10, यहाँ पे 13, आप कहते सर आप बार बार नंबर पे क्यों उतर आते हो, क्योंकि मैं अल्फ़ाबेट में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, क्योंकि नंबर जैसे 4 7 10 13, अच्छा 4 3 7 3 10 3 13, लेकिन अगर यही ऐसे मैं लिख दूँ डी जी जे
एम, तो आप इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मतलब मुझे लगता है कि डी जी डी की डी ई डी बी सी डी 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 ई एफ जी, ये ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? क्या मतलब है? प्लेस वैल्यू याद है, एकदम तलाक से रख दिया, 4 3 7 3 10 3 13, और 13 3 कितना हो गया 16, यानी बीच में पी आएगा, बीच में पी आएगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। दोस्तों क्यों सॉल्व करने के पीछे लगे रहते हो, क्यों सॉल्व करने के पीछे लगे रहते हो? किसी ने कहा कि सर बताइए तो ऐसा, भाई क्यों ऑप्शन? मैं कह रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले, मैं डी क्यों पकड़ा, क्योंकि डी में मैं सरल महसूस कर रहा था, अच्छा महसूस कर रहा था कि डी हाँ छोटा है, अच्छा महसूस कर रहा था। फिर जैसे ही नंबर लिखा, पानी तक के लिए पी हो गया, देखो नन ऑफ दीज है, लेकिन पी 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 है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। जरा देखो ना, 23 22, अब 23 से 22, 22 से 20, 20 से 18, तो 18 से 2 कम 16, यानी फिर से पी आ जाएगा। फिर से अगर बोला जाए 8 2 10, देखो एल की 12 होती है, 14, अगला फिर 16 आ जाएगा, यानी पी 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 सही हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से लैंग्वेज बता दिया कि यहाँ पे बी सही होगा, लेकिन आप अपनी अंतर आत्मा से पूछिए कि इस तरीके से एग्जाम में आपको समझाया होगा। +2 +2 +2 +3 +3 +3, मर जाओगे इसको समझने में, प्राण आंखों से निकल आएंगे कि बाप रे बाप, इसको समझ लोगे। लेकिन हाँ, इस एक्स का इस वाले वी से, इस वाले वी का इस वाले टी से, यहाँ +2 यहाँ -2, परेशान हो जाओगे कि नहीं, लेकिन उसको छूने का देखने का अंदाज बदलोगे, देन यू बिकम अ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो हाउ टू टच द क्वेश्चन। दोस्तों नॉलेज होना, पेपर करना दो अलग अलग बातें होती हैं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, दुनिया जानती है कि यहाँ पे दो ही पॉपुलेशन है, एक एडवोकेट और एक स्टूडेंट। ऐसे ऐसे दिग्गज स्टूडेंट है, लेकिन बस वो यही बोलता है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कहाँ मिलता है, क्यों? क्योंकि उसे पेपर टच करना नहीं आता। पीपीपी बिल्कुल सही होगा। चलो यहाँ पे बताओ क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना पूरा, 30 सेकंड, पहले आप क्वेश्चन समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। समझ लिए ना तो भी मैं आपको 10 रुपया तो केवल क्वेश्चन समझने का दे दूंगा। समझ लो, 10 रुपया लो, आओ ले जाओ, लो समझ लो इसको, 10 रुपया ले जाओ, केवल क्वेश्चन समझने का 10 रुपया दे दूंगा मैं। चलो 10 रुपये क्वेश्चन समझो, 10 रुपये ले जाओ, और एक 30 सेकंड दे। लेकिन सोचो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ नई नई चीजें नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा? अब जरा समझो, अब जरा क्वेश्चन क्या है, अब जरा दिमाग लगाना के देखना, मजा आ जाएगी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, आज सर आपने नई चीज सिखा दी। तेरा देखो, एक रन के लिए, मतलब ए स्टैंड फॉर रन है ना, ए रन के लिए, टू स्टॉप मनी, एक अगर मैं बोलूँ एक तो दौड़ो, जैसे होता है ना कि जब हम एक्सरसाइज कराते हैं, पीटी किए हो ना स्कूल में, पीटी किए हो ना, एक तो दौड़ने लगो, दो रुक जाओ, फिर तीसरा जाने के लिए खड़े हो जाओ, फिर चौथा बैठ जाओ, पांचवा खड़े हो जाओ। अब उसने बोला कि विच इंस्ट्रक्शन कम नेक्स्ट, अगला क्या आएगा? उसने बोला इस तीन के बाद अगला क्या आएगा, इस तीन के बाद अगला क्या आएगा। अब जैसे उसने चौथे से स्टार्ट किया, चौथा का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर सीट, यानी यहाँ से यहाँ पे, इसने चौथे के लिए देखो क्या बोला, चार के लिए सीट, सीट के लिए खड़ा है, यानी वो मतलब बैठने के लिए खड़ा है। तो जरा सोचो, एक चार है, एक एक चार है, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन को दोबारा दोहराया है, बोलो हाँ है ना, तो हर चार एक पैटर्न बना रहा है। जरा देखो मेरे के एक चार ये है, अब एक चार ये, चार पाँच ये, मतलब चार से चीज़ों को स्टार्ट कर रहा है, चार को चीज़ों को स्टार्ट कर रहा है। मैंने जैसे आपसे कहा कि चार बैठने के लिए खड़े रहो, फिर मैंने कहा बैठने के लिए खड़े रहो, तो आप बोलोगे सर एक ही चीज़ बार बार दोहराई कि नहीं, तो ये एक सीरीज बना रहा है। जरा देखो अगला यहाँ पे, जितना चार है वहाँ से एक लाइन खींच दो, फिर एक लाइन खींच दिया, फिर एक लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, ये देखो एक स्टेप बना रहा है। जरा देखो, पहले चार आया, फिर चार पाँच आया, फिर चार पाँच तीन आया, फिर चार पाँच तीन एक आया, फिर चार पाँच तीन एक दो आया, फिर यहाँ तक के बाद ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दी, चार पाँच आया, ये वाली लाइन फिर से रिपीट कर दी, चार पाँच तीन आया, ये वाली लाइन फिर से रिपीट होगी। तो चार पाँच तीन के बाद आगे क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, चार पाँच तीन के बाद आगे क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, और एक का मतलब क्या है, रन, एक का मतलब क्या है, रन के लिए, यानी यहाँ पे रन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी ये कुल मिला के एक सीरीज बना रहा है। अब देखो इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन को 110% RBI SBI लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब वो एक यूनिफॉर्म सीरीज बना रहा है, मतलब PT कराने के लिए जैसे होता है 1 2 3 4 है ना, तो अब वो चार से शुरू किया, 4 3 2
एक, मतलब वो कहाँ से शुरू कर रहा है, तो हर बार चार से स्टार्ट कर रहा है, तो चार से स्टार्ट किया तो एक बार खड़ा है, फिर चार से उसने एक पेयर बनाया, फिर चार पांच, फिर चार पांच तीन, फिर चार पांच तीन एक, फिर चार पांच तीन एक दो, और फिर उसने रिपीट कर दिया। यहां तक तो पूरी फुल सीरीज है, यहां तक फुल सीरीज है, फिर उसने यहां से रिपीट कर दिया चार पांच, फिर यहां से चार पांच तीन, और फिर यहां से चार पांच तीन, तो अगला क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, इसलिए यहां पे आंसर रन हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होगे भैया, समझ गए होगे, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से यहां बताओ। जल्दी सोचो। देखो यहां पे कोई ऐसा शब्द नहीं बनेगा, आप बना के देखो। यदि सभी शब्दों के पहले और दूसरे अक्षरों की स्थिति अंतरण कर दी जाए, पहले और दूसरों की स्थिति बदल दी जाए, स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी उसने बोला इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑन द वर्ड्स आर इंटरचेंज, यानी इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो भाई यहाँ पे यू टी बी बनेगा, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे यू एच बी बनेगा, कुछ नहीं, यानी कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा अगर हम पहले दूसरे को चेंज करते, तो यहाँ पे यू एम जी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ए पी आर बनेगा, और एक तो फॉर था भी, लेकिन आप उसने उसके पहला और ऐसे चेंज कर दिया, वो एफ आर कुछ नहीं बनेगा, यानी कोई भी ऐसा शब्द नहीं बनेगा, यानी आ जाएगा नन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक भी ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई भी शब्दों का समूह नहीं होगा जो अपना सार्थक शब्द बना रहा होगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे बताओ। Each word are arranged alphabetically, है ना? Then how many words will remain unchanged? ऐसे कितने होंगे जो अनचेंज होंगे? इसको करने का एक बहुत सही तरीका बताऊंगा। इसका करने का एक बहुत सही तरीका बताऊंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको टच कैसे करते हैं। एक ह्यूमन सेंस क्रिएट कर लो कि क्वेश्चन हमें करना कैसे। जरा देखो, जैसे उसने बोला इफ ऑल द लेटर ईच ऑफ द वर्ड, जैसे सोचो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तरह समझना ये लिखा हुआ है। अब इसमें समझना कि सबको मत चेंज मत करो, यहाँ पे ऐसे बस लिख दो 20, 21, 20, है ना। उसने बोला इफ ऑल द लेटर्स ईच वर्ड अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, तो भाई इनको चेंज करोगे तो बी आगे आएगा, यानी पोजीशन चेंज हो जाएगी। 8, 21, 2, यानी यहाँ पे बी पहले होना चाहिए, लेकिन बी अंत में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करोगे तो एच यू बी अपनी पोजीशन बदल देगा। यहाँ पे 13, 21, 7 अपनी पोजीशन बदल देगा, 16, 1, 18 अपनी पोजीशन बदल देगा, लेकिन 6, 15, 18 फॉर जो है वो जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि ये पहले से अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने पर फॉर एक ऐसा शब्द होगा जिसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6, 15 और 18 वो एक साथ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे देखो आप चेंज करोगे बी टी यू, ये देखो सब बदल गया, सब बदल गए, मग का ये लिखा गया, ये लिखा गया, लेकिन फॉर फॉर जैसा है, फॉर जैसा है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे एक बिल्कुल सही हो जवाब होगा। ठीक है ना, चलो ये बताओ। किसी भी शब्द के पहले अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब अगर ये लिखा हुआ है, जरा सुनना कि अगर ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझना कि अगर ये लिखा हुआ है, इसके पहले अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो यानी कैसे, अगर टी है तो यू लिख दो, एच है तो आई लिख दो, एम है तो एन लिख दो, पी है तो क्यू लिख दो, एफ है तो जी लिख दो, बोलो हाँ, है ना। अब ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल होगा, एक से ज्यादा वॉवेल होगा, यानी इसमें भी एक से ज्यादा वॉवेल है, इसमें भी एक से ज्यादा वॉवेल है, यानी दो ऐसे शब्द हैं जिनमें एक से ज्यादा वॉवेल होगा, यानी यू यू आई यू, यानी झम से जवाब होता है। ये सब चूरन क्वेश्चन है, ये सब 100, लेकिन हाँ इनको करने का दोस्तों बात समझो कि करेगी दुनिया, ये भी बात सही है, लेकिन आप मेरा स्टूडेंट हो, याद रखना आपको 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ये सब एकदम निपटा के ध्वस्त कर देना है कि नहीं। चलो यहाँ पे टू होंगे, यानी दो ऐसे होंगे जिनमें दो 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 वॉवेल, यानी एक वॉवेल से ज्यादा है, ठीक है ना। चलो अब इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या हो?
दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज दी गई, आपको याद है, आपको पता नहीं, आपने जो लोग मेरे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने उनको बताया था कि जब सेम सेम होता है तो घट जाता है और जब अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है। सेम सेम है तो घट जाएगा, अलग अलग होगा तो जुड़ जाएगा, अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और हमेशा पहला काउंट होता है, हमेशा पहला काउंट होता है, ऑलवेज फर्स्ट काउंट होता है। बोलो बात सही है। यहाँ पे बोला कि गिवन राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से इलेवेंथ के लेफ्ट हैंड साइड से चौथा, यानी राइट हैंड साइड से इलेवन और लेफ्ट हैंड साइड से चौथा, तो अलग अलग है ना, जुड़ जाएगा, है ना, ऐसे ही तो बोल रहा है। देखो ना, 11 और लेफ्ट हैंड साइड से चौथा, है ना, तो 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। 11 4 कितना हो गया, 15। लेकिन गिनेंगे किधर से, गिनेंगे किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, हमेशा पहला काउंट होता है। अगर उसने बोला राइट हैंड साइड से 11 तो राइट 11 हमने लिख लिया, और लेफ्ट हैंड साइड से चौथा तो यानी लेफ्ट हैंड साइड से चौथा लिख लिया। लेकिन पहले मैंने राइट हैंड साइड बोला था ना, तो अब अलग अलग होता है तो क्या होता है, अलग अलग होता है तो जुड़ जाता है, और हमेशा फर्स्ट काउंट होता है, यानी राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 हो गया। और 15 की जब हम बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे ई होना चाहिए। क्या ई सवाल, ई जवाब सही होगा? जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आंसर ई आना चाहिए जो कि विकल्प में नहीं है। आप जल्दी से इसका जवाब बताओ, बिल्कुल वैसा ही है, आराम से कर लोगे, जल्दी सोचो। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बताया आपको, जैसा बताया, बेइज्जती नहीं कराना दोस्तों, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन दादा सोचो कैसे होगा। अब जल्द देखो, लेफ्ट हैंड साइड से लिख लो पहले, ऐसे ऐसे नहीं सोचा करो, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे नहीं सोचा करो, ऐसे लिखा करो, लेफ्ट हैंड साइड से 13 ये लो लिख लिया कि अच्छा, कि राइट हैंड साइड से कौन सा, अच्छा छठवा, यानी राइट हैंड साइड 6, ऐसे बोला है ना, ऐसे बोला है ना। तो जरा सोचो, पहले लेफ्ट हैंड साइड से 13 लिख लिया, राइट हैंड साइड से 6 लिख लिया, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से 19, क्या हो गया, 19। अब लेफ्ट हैंड साइड से 19 अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी ए आना चाहिए, और यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई एक एक बच्चा मेरा ये कह दे सर आज सारा क्वेश्चन एकदम झमाझम सही आया, एकदम बेइज्जती वाला खेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 13, तो लेफ्ट हैंड साइड से 13 लिख लिया, राइट हैंड साइड से 6 है, राइट हैंड साइड से 6 है, दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। लेकिन काउंट किधर से करेंगे, हमेशा पहला, जो पहले बोला है, जो पहले लेफ्ट पहले बोला है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, 13 6 कितना हो गया, 19, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 19 गिन लिया और झम से जवाब हो गया, यानी ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात सही है। चलो यहाँ पे बताओ, आ रहा हूँ, याद रखना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर नहीं कर पाए तो फिर बेइज्जती हो जाएगी भाई, मेरी हो जाएगी कि आपके बच्चों को ये नहीं आता, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अधिकार से बोलेंगे सर हम अतुल सर से पढ़ते हैं और हमें चीज़ें एकदम बेसिक से पता है, क्योंकि बाएं छोर से तीसरा झम से ऐसे लिखो तीसरा, और फिर दाएं छोर से कौन सा तीसरा, राइट हैंड साइड से तीसरा, दोनों को जोड़ दो, 3 3 6 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से छठवा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से 6 गिन लो, क्यों, लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा गिन लिया, राइट हैंड साइड से तीसरा गिन लिया, जोड़ा 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी बी आना चाहिए, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो बी सही हो गया, आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, पहले कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ सर आ गया, आ गया कि नहीं, आ गया। रीजनिंग सर है ना, जैसे बच्चों को घुट्टी नहीं पिलाई जाती है, अगर विश्वास रख लिए, गारंटी देता हूँ कि 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसे उड़ेल के रख दूंगा, आपको खुद पता चलेगा कि बाप रे बाप ऐसे भी चीज़ें, बट ये सब चूरन चीज़ें, आराम से कर लोगे, इनका और टिपिकल फॉर्म में कराऊंगा। अभी अभी ये है कि आपको एक बार जो लोग रेगुलर आते हैं उनको एक रिदम बनवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, ये है आपका HW, ये है आपका HW, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे ये मुझे देखना है, कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और देखो क्वेश्चन यार अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी शेयर कर दिया करो कि देखो आप नहीं दे पा रहे हो तो क्या बहुत ऐसा कोई तीरंदाज है जो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सके। और ये सब क्वेश्चन बहुत छांट के मैं लाता हूँ, अच्छी अच्छी जगह से ढूंढता हूँ कि आपको कुछ नए झंडाटेदार क्वेश्चन कराऊं, तो बिल्कुल इस लिंक को शेयर करो, बताना कि बच्चा जी आपको क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर लव सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, आप लोगों का जो मेरे प्रति लगाव है मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, बस ईश्वर इसको इसी तरीके से बरकरार रखे और मैं आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, ये आपका परिवार है, कमेंट कर
दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।